बांदा जिले के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत का आयोजन किया गया। एक सप्ताह के लिए बुंदेलखंड दौरे पर पहुंचे महापंचायत के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान ने कहा है कि बुंदेलखंड के समस्त किसानों का ऋण माफ किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने बुंदेलखंड की कई समस्याओं को भी देखते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों की हितैषी नहीं है। बहुत बड़ा संगठन को स्टैंड करके यहाँ संघर्ष किया जा रहा है और हमारे बुंदेलखंड को बिजली फ्री दी जा रही है। पानी की उपलब्धता यहाँ जरूरी है, बिजली और पानी की व्यवस्था यहाँ प्राथमिकता पे की जाए और यहाँ का जो किसान है आत्महत्या कर रहा है वो गलत निर्णय है उनका, किसानों का, हम उससे सहमत नहीं है। और आत्महत्याओं को रोकने के लिए बुंदेलखंड का छोटे बड़े सारे किसानों का कर्ज एक कलम से माफ किया जाए।